see chapter 7, popular movements. I know that you are seeing this. Actually, our chapter name is Rise of Popular Movements. So before starting this video, let me tell you that यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा. In case मेरी वीडियो से अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद हुई हो, please watch this video here as one information for you people. Second thing, if you want detailed explanation of this chapter, kindly visit the link which I provided you in description box. So let's start our today's chapter. हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलर मूवमेंट्स के बारे में. पहली बात ये है कि मूवमेंट का नेचर जान लेते हैं. दो तरह के मूवमेंट होते हैं. पहला तो ये पार्टी बेस्ड मूवमेंट एंड दूसरा नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट. पार्टी बेस्ड मूवमेंट वो जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उनको मोबिलाइज करती रहती है टाइम टू टाइम. नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट, इनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहता है. लेट्स स्टार्ट विद द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट आप सभी ने पढ़ा ही होगा. क्लास 6 से लेके 12th तक तो मैंने पढ़ा ही है SST में. सो व्हाट वाज इट? इट वाज टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो पेड़ों को कटने से बचाना था क्योंकि जंगल के जंगल काटे जा रहे थे फॉर कमर्शियल पर्पस. और ये जो मूवमेंट है वो 1973 में शुरू होता है उत्तराखंड में. इश्यूज ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रेस्ट. तो यहाँ पे इश्यू ये मर्ज होता है कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है वो रेज हो जाएंगी. जंगल का जंगल काट रहे हो, जो लोग जंगल पे डिपेंड रहते हैं, उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं, उनका क्या? आप कंपनीज को जो है ये सारी लकड़ियां बेच रहे हो और जिनका रोज का खर्चा उसी से चलता है, उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा. सो दिस वॉज चिपको मूवमेंट. नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ दलित पैंथर्स. व्हाट वाज इट? दलित पैंथर्स एक्चुअली इट वाज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित जो कि 1972 में फॉर्म किया गया था. इसका एजेंडा था कि जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाना है. एज यू गाइस नो दैट जो भीमराव अंबेडकर है वो भी दलित ही थे. तो दलितों के साथ शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता आया है. दैट्स व्हाई इनका एजेंडा जो था वो कास्ट सिस्टम को खत्म करने का ही था. हाउएवर टाइम टू टाइम देखा जाता है दलित पैंथर में स्प्लिट काफी ज्यादा हुए, तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ये नहीं रहा और इसका धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया. इसके बाद आता है बामसेफ, जो कि मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है एंड जो डिटेल वाली वीडियो है उसमें मैंने समझाया है. भारतीय किसान यूनियन, व्हाट इज इट? सो भारतीय किसान यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा से आते हैं. डिमांड इनकी क्या है? इनकी डिमांड रही है हाई फ्लोर प्राइजेस कर दो. किसके? शुगर केन एंड वीट के. रीजनेबल जो रेट है उनपे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओ. प्रेशराइज गवर्नमेंट, इन्होंने जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया हमारी डिमांड्स पूरी करो. ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर जो है बैठ जाते हैं और कहते हैं जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं. सो शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. सो देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, किसान यूनियन ही है वो, और जिसका नाम है शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र. ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो यूनियन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये अपनी डिमांड्स आसानी से पूरी करवा सकती है, बट ये यूनियन हो, पावरफुल हो. एंटी एरिक मूवमेंट, ये क्या था? ये अलग तरह का मूवमेंट चल रहा था. इसमें हम वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं. मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, बैन ऑन सेल ऑफ एल्कोहल. यहाँ पे बात ये चल रही थी जो एल्कोहल बेचा जा रहा है गांव में इसको बंद करो. एज यू गाइज मस्ट नो कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो एल्कोहल से ही मिलता है, तो अगर एल्कोहल बंद होती है तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा. सो यहाँ पे ये डिमांड चल रही थी, ये जो शराब बेची जा रही है कहाँ पे? रूरल एरियाज में. तो जो मेल मेंबर है वो शराब पीते हैं एंड फिर जो पूरे घर की इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाती है. सारा वजन किस पे आता है? जो उस घर की महिलाएं हैं उन पर आता है. बच्चों का वजन आता है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, एवरीथिंग. नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई.
इंस्पिरेशन फॉर अदर वुमेन. जैसे ही ये एंटी एरेक मूवमेंट धीरे धीरे फैला, नेलौर डिस्ट्रिक्ट से और जगह फैला, एक गांव नहीं दूसरे गांव नहीं बहुत सारे गांव जो है वो जुड़ गए इस मूवमेंट से. अब क्या होने लगा, चूंकि महिलाएं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने लगी, मिलने लगी, कोऑपरेट करने लगी, तो उन्होंने अपने इश्यूज भी बढ़ा लिए, लाइक वो डोमेस्टिक वायलेंस और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी के बारे में साथ में डिस्कस करने लगी, विच वॉज वेरी गुड थिंग. एंड लाइक सी द नेक्स्ट मूवमेंट वी हैव नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है सरकार का. सो यहाँ पे इसका विरोध क्यों हो रहा था, वो ये कह रहे थे अब जहाँ पे ये बनाने वाले हो डैम, इससे कितना नुकसान होगा, क्योंकि तकरीबन 245 गांव 245 विलेजेस ऐसे होंगे जिन लोगों को छोड़ के जाना होगा, लाइक 245 विलेजेस अक्रॉस 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र, इनमें जो लोग रहते हैं इनको जगह छोड़ के जानी होगी. तो सरकार ने क्या इनके लिए रिहैबिलिटेशन का कोई इंतजाम किया है, क्या इनको ऑक्यूपेशन के लिए कुछ इंतजाम किया है, क्योंकि गांव छोड़ के जा रहे हैं सभी लोग, अपना ट्रेडिशनल वर्क है वो भी छोड़ के जाएंगे, तो उनके लिए रोजगार की क्या उम्मीदें हैं. नेक्स्ट स्टार्टेड इन 1988 to 89, तो ये 1988 to 89 में शुरू हुआ था और इसके लिए सपोर्ट जो है इनको मिलता है कहाँ से, ना केवल जो इंडिया से बल्कि बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी मिलता है, यूनाइटेड नेशन से जो कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम करती है वहां से भी सपोर्ट मिला. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इट वॉज. नेक्स्ट वी हैव लेसन्स फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट. हमने इतने सारे मूवमेंट के बारे में पढ़ा लेकिन हमें क्या सीखने को मिलता है. देखिए, फर्स्ट पॉइंट यू कैन से दैट इट मूवमेंट प्रोवाइड्स यू एन वे वेयर यू कैन इफेक्टिवली रिप्रेजेंट योर डिमांड, राइट. सो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग तरह से अलग अलग जो ग्रुप हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, वो अपनी बात रख सकती हैं. दूसरा, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमें ये बताती है कि ये जो प्रेशर ग्रुप इमर्ज होते हैं, ये जो मूवमेंट होते हैं, इनको दबाने की बजाय हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए. एंड थर्ड, वी हैव आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड दिस इज हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन इंडियन डेमोक्रेसी. सो दिस वॉज आर चैप्टर एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. इन केस यू फील एनी डाउट you can ask me in comment section. Like this video, share this video. Detail explanation चाहिए तो फिर से बता रही हूँ, description box में आपको link मिल जाएगी, वहां पे आप इसका detail video देख सकते हैं. मिलेंगे हमारे अगले video में.